ये कहानी है प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा हाल ही में मुंबई से गांव आई थी। गांव बहुत पुराना था, वहाँ कुछ भी डेवलप नहीं था। प्रतीक्षा एक डॉक्टर थी और वो साइंस में बहुत बिलीव करती थी। उसे गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं थे। गांव का नियम था रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, कुएं के पास मत जाना, जंगल में मत जाना। लेकिन प्रतीक्षा ये सब बातों में नहीं मानती थी। और एक दिन प्रतीक्षा रात को 12 बजे कुएं के पास गई। उसे एक आवाज़ आ रहा था, बचाओ बचाओ करके। जैसे ही प्रतीक्षा वहाँ पर गई, उसने देखी एक औरत साड़ी में उसके सामने से पानी में कूद गई और प्रतीक्षा बहुत जोर से चिल्लाई। गांव के सब लोग आसपास के इकट्ठा हुए, प्रतीक्षा को देखा। प्रतीक्षा को कहा, आपको बाहर निकलने ना कहा था, फिर भी आप बाहर क्यों निकले? प्रतीक्षा ने कहा, मुझे एक आवाज़ आ रहा था वहाँ से, बचाओ बचाओ करके। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम में है, किसी मुश्किल में है, इसलिए मैं उन्हें बचाने वहाँ पर पहुँची। और तब मैंने देखा कि एक औरत कुएं में कूद गई। जब ये लोगों ने कुएं में देखा, कुएं में कोई नहीं था। प्रतीक्षा मान नहीं रही थी। प्रतीक्षा ने दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की और पूरे कुएं में छानबीन कराई, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर दो दिन बाद रात को प्रतीक्षा को आवाज़ आई, बचाओ बचाओ करके। और प्रतीक्षा फिर वहाँ पर देखने गई और इस बार वो औरत इसे घूर कर देख रही थी और वापस उल्टी छलांग लगाई और पानी में कूद गई। इसकी तरफ देखते देखते धीरे 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 पीछे जा रही थी और उल्टी होकर पानी में गिर गई। प्रतीक्षा फिर से चिल्लाई। गांव के लोगों को पता था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन गांव के लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि ये डर जाएगी और हम पे विश्वास भी नहीं करेगी शायद से, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही ज़्यादा सोच समझदारी वाला समझा। लेकिन फिर वापस रात को 12 बजे आवाज़ आई, बचाओ बचाओ करके। लेकिन इस बार प्रतीक्षा वहाँ पर नहीं गई, लेकिन इस बार वो औरत खुद इनके दरवाजे पर चली आई और जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्रतीक्षा ने पूछा, कौन है? वहाँ से किसने जवाब नहीं दिया, वापस ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और फिर प्रतीक्षा ने दरवाज़ा खोला। वहाँ पर कोई नहीं था और फिर उसने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर सो गई। दूसरे दिन फिर से दरवाज़ा खटखटाया। प्रतीक्षा ने पूछा, कौन है? और इस बार उसने जब दरवाज़ा खोला तो एक औरत जो पानी में कूदी थी उसके सामने वो औरत थी। वो पानी से पूरी भीगी हुई थी, उसके सर से, साड़ी से, सब जगह से पानी गिर रहा था, जैसे कि वो पूरे एक साल से पानी में रह रही हो। उसका पूरा शरीर पानी से फूगा हुआ था और वो इसे खींच के ले जा रही थी, इसे उस कुएं के पास ले जा रही थी और ये चिल्ला रही थी। और फिर जैसे ही वो कुएं के पास ले गई, प्रतीक्षा को अंदर खींचने वाली थी कुएं में, लेकिन तब गांव के लोग आ गए और इसे बचा लिया। और फिर तब गांव के लोगों ने इसे सब बताना सही समझा, क्योंकि इसने अब वो एक्सपीरियंस किया था कि गांव के लोग क्यों मना कर रहे थे रात को बाहर मत निकलना। और फिर तब गांव के सरपंच ने कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था कोकिलाताई। कोकिलाताई और उसका हंसता खिलता एक छोटा सा परिवार इस गांव में रहता था। कोकिलाताई का हस्बैंड फार्मर था और वो खेती करता था, लेकिन थोड़े दिनों में उसकी फसल नहीं उग रही थी जिससे कंटाल कर उसने आत्महत्या कर दी थी। और फिर उसका बेटा
और कोकिला ताई अकेले घर में रहते थे। कोकिला ताई मजूरी कर कर पैसे कमाती थी और अपना घर चलाती थी। लेकिन एक दिन कोकिला ताई का बेटे को टाइफॉइड हो गया और उसका बेटा वहाँ ही चल बसा। और फिर कोकिला ताई इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसने जाके उस कुएं में सुसाइड कर लिया था। वो उस कुएं में रात को 12 बजे कूद गई थी और तब से उसकी आत्मा कुएं के साइड में आजू बाजू में भटकती है।